पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर संभल के उलेमाओं में रोष व्याप्त है। नाराज मुस्लिम समाज के उलेमा मुरादाबाद स्थित अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी आलोक कुमार जायसवाल से वार्ता कर एक तहरीर सौंपकर नरसिन्हानंदन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। हम एडिशनल एसपी साहब के पास जो आए हैं तो इसके लिए आए हैं कि स्वामी नरसिम्हानंद जी ने जो भारत के संविधान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़ हम स्वामी नरसिम्हानंद जी के ख़िलाफ़ एडिशनल एसपी साहब के पास FIR कराने के लिए संभल के उलमाए किराम आए हैं, ताकि उनके ख़िलाफ़ FIR हो और वो आने वाले भविष्य में भी वो ही नहीं बल्कि और लोग भी मुसलमानों के पैगंबर ही नहीं बल्कि किसी भी मज़हब के जो विशेष रूप से हैं, चाहे वो मुसलमानों के पैगंबर हैं या हिंदुओं के पूर्व उम्मती के देवी देवता हैं, किसी की शान में भी अदना सी गुस्ताखी ना करें। हम इसलिए आए हैं ताकि मुल्क का माहौल ख़राब ना हो। भारत का मुसलमान सब्र कर रहा है, लिहाजा ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और ऐसे लोगों का काम को ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए या पागल खाने पहुँचाना चाहिए जो मुल्क का माहौल ख़राब करने पर तुले। असल में वो सरस्वती ने जो पिछले काफ़ी वक्त से बकवास कर रखी है, उन्होंने पिछले दिनों उसको मतलब APJ अब्दुल कलाम को भी गद्दार कहा था मुल्क का, फिर अब आकर के तो उन्होंने हद कर दी। पूरी दुनिया में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है यानी मुसलमानों की, उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें कही हैं कि हम मीडिया में बयान भी नहीं कर सकते, तो उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है FIR के लिए हमने एडिशनल SP साहब से रिक्वेस्ट की है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि हम जो है FIR करें, उन्हीं के ख़िलाफ़ आए हम लोग। अच्छा, दूसरा हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को हमारे हुजूर की जीवनी पढ़ना है वो स्वामी लक्ष्मी जी शंकराचार्य हैं, उनकी किताब है इस्लाम आतंक या आदर्श, उसको गूगल पे जाकर के सर्च करें, डाउनलोड करें, उसको पढ़ें और देखें हुजूर की जीवनी कैसी थी, यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में खुद उन्होंने क्या लिखा उसको वो पढ़ें।